हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लास्टिक ओवर हेड टैंक की लीकेज को रिपेयर करके बताऊंगा और ये कितना इफ़ेक्टिव है ये भी हम चेक करेंगे। तो इस टैंक में पहले एक क्रैक आ गया था, तो इसकी जिसकी वजह से यहाँ पे लीकेज हो रही थी, तो मैंने इसको कटर के हेल्प से अप्रॉक्सीमेट रेक्टेंगुलर शेप में काट लिया है। तो अब इसको रिपेयर करने के लिए हम सेम साइज़ की किसी भी मेटल शीट की स्ट्रिप काट लेंगे जो इसको पूरी तरह से कवर कर ले, जैसे इस कुछ इस तरह से आप इसको काट लेंगे। तो इसके बाद हम इसके ऊपर जो जेबी वेल्ड इपॉक्सी है, स्टील इपॉक्सी, वो अप्लाई करेंगे और देखेंगे ये कितनी इफेक्टिव होती है। तो इसके लिए पहले हम इसके रेक्टेंगुलर के चारों साइड्स में एक ट्यूब को पहले अच्छे से लगा देंगे, फिर दूसरी ट्यूब को। इसको यहाँ पे लगाने का ये फ़ायदा है कि इससे वेस्टेज कम होगी। अगर आप इसको किसी और जगह पे मिक्स करेंगे इन ट्यूब्स को, तो वहाँ पे वेस्टेज ज़्यादा होती है, कि कुछ जो इपॉक्सी है वो उस प्लेट के ऊपर भी रह जाता है। तो बेटर है कि आप इसे सीधा प्लास्टिक टैंक के ऊपर ही लगाएँ, और वहाँ पर इसको लगाती बार जो है आप मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि इसमें से टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं। तो और साथ में आप ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मिक्स तब तक करें जब तक ये ग्रे कलर में चेंज ना हो जाए, वाइट और ब्लैक कलर इसमें से कम्प्लीटली मिक्स हो जाएं। तो आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद जो हमने मेटल स्ट्रिप काटी है उसको हम इसके ऊपर प्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से। तो और इसके बाद हम दोबारा से जो दोनों ट्यूब्स हैं वो मेटल स्ट्रिप के ऊपर भी लगाएंगे, जिससे जो जॉइंट है वो अच्छा बन जाए। दोबारा से आप दोनों ट्यूब्स को इक्वल अमाउंट में लगाएंगे। तो पहले मैंने वाइट ट्यूब यूज़ की, देन ब्लैक, फिर आप इनको इक्वली दोबारा से ग्रे कलर टर्न होने तक इनको मिक्स करेंगे। इसको फिर प्रॉपरली अप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर आप इसके ऊपर, अगर ये आप इसके ऊपर वेट भी रख सकते हैं इस तरह से, जिससे ये प्रॉपरली जॉइंट हो जाए। तो नेक्स्ट डे ये इस तरह का दिखेगा। इसके अलावा अब आप जेबी बेल्ट काफ़ी कॉस्टली है, तो आप इसके एडिशनल जो इनर साइड होगी वाटर टैंक की, उसमें वहाँ पे आप एम सील लगा सकते हैं। तो एम सील लगाने इस तरह से आप कम्प्लीटली एम सील ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि एम सील सस्ती होती है। सेट होने के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसमें 2-3 बकेट वाटर इसमें डाला है, और अब मैं इसे जहाँ पे हमारा लीकेज थी उस साइड को मैंने इसको टर्न किया, तो हम चेक करेंगे कि क्या लीकेज हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप आउटर साइड में देखेंगे कि यहाँ पे जो लीकेज है वो नहीं हो रही है। तो ये जो जेबी वेल्ड इपॉक्सी है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।